गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे, जिसमें मैं अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं बताया था। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द के अंतर्गत हम तमाम शब्द बताए थे, जैसे एकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, हम सार्थक शब्द के अंतर्गत इन चीजों को बताए थे कि सार्थक शब्द के अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द बताए थे। तो चलिए आज हम लोग एकार्थी शब्द पढ़ते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द उन शब्दों को कहते हैं या जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मित्र, हो गया घर, हो गया घोड़ा, हो गया पुस्तक, हो गया गंगा, हो गया गमला, हो गया नदी, हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? एकार्थी शब्द। यानी एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एकार्थी शब्द की परिभाषा जानते हैं। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र हो गया, घोड़ा, मित्र हो गया, घोड़ा हो गया, घर हो गया, पुस्तक हो गया, पुस्तक हो गया, गंगा हो गया, गमला हो गया, गंगा हो गया, गमला हो गया आदि आदि। यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, घोड़ा, घर, पुस्तक, गंगा, गमला आदि। ठीक है, यानी जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।